नमस्कार दोस्तों, मैं सोम्यो रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसा मेंटल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर को कभी ना कभी सताया है। और अगर आपको अभी तक नहीं सताया है तो आप सतर्क हो जाओ कि ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी आगे हो सकता है। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा कुछ ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा जो हर एक ट्रेडर के ट्रेडिंग करियर में कभी ना कभी आया है या तो आएगा। और जब ये आया है या तो ये आपको देखे गया है, ये या तो ये जो सिचुएशन है ये आपसे बहुत कुछ लेके गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से ये सिचुएशन कुछ लेके ना जाए लेकिन दे के जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोबाइल ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग पहला बारी मेरे चैनल पे आए हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को तोड़ना मत भूलिए। पहला ट्रेड मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स पे, 3 मिनट का ट्रेड टाइम फ्रेम, एक बहुत ही मामूली सा ट्रेड मैं ओपन किया हूं और हम लोग यूज कर रहे हैं आज दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज 7, सिंपल मूविंग एवरेज 14। देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे तो हम लोग सब ट्रेडिंग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कोई पैसे से ट्रेडर है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स अपने करियर में डालने के लिए, जिससे वो अपने और कुछ इच्छा होंगे, कुछ कामना मन, मतलब कुछ डिजायर्स होंगे या तो कुछ नीड्स होगा जो सबको आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको पैसा जरूरत है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि यही सब मेंटल जो कंडीशन है, जहां पे आपका ग्रीड, जहां पे आपका जो पैसा कमाने का जो मतलब जल्दबाजी है, या तो आपका जो ड्रीम्स है कि नहीं मैं ये पैसा कमा लूंगा तो मैं यहां पे ट्रिप पे निकल जाऊंगा, मैं यहां पे टूरिंग पे निकल जाऊंगा, मैं अपना मोटरसाइकिल का टायर बदलवा लूंगा, या तो मैं नया मोटरसाइकिल ही खरीद लूंगा, ये जो आपका जो ये जो चाहत है, ये आपका जो आंख है, ट्रेडर का जो आंख है उसके सामने बांध देता है एक पट्टी, और जिसके चलते आप हमेशा गलती ही करते हो। और आप क्या करते हो, आप जो फंडामेंटल्स हैं जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे कि एसेट सिलेक्शन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिलेक्शन, जैसे कि ट्रेड टाइमिंग सिलेक्शन, ये सब को आप एकदम भूल जाते हो। और जब ये सब भूल जाते हो तब ये सब सिचुएशन आपको बहुत बड़ा एक सेटबैक देखे जाता है। अभी देखिए, ये जो ट्रेड चल रहा है, ये ट्रेड पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सिंपल मूविंग एवरेज 7 इंटरसेक्ट किया है सिंपल मूविंग एवरेज 14 को और नीचे की तरफ गया है। और यहां पे मैंने एक ड्रैगन ट्रेड लिया है 1 मिनट का। मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि एक करेक्शन यहां पे होने का है, एक करेक्शन यहां पे होने का एक मूड है। और यहां पे बात यह है कि आप करेक्शन के लिए कितना टाइम रुकोगे। जितना ज्यादा आप रुकोगे हो सकता है कि उतना आपको फायदा मिले। यहां पे मैंने और 2 ड्रैगन ट्रेड ओपन कर दिए हैं $350 का। मैंने करेक्शन होने का वेट किया क्योंकि यहां पे जो मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल इंडिकेटर्स कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स इज मूविंग डाउन, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने ट्रेड्स ओपन किए हैं, मैं ट्रेड्स पे चला जाऊंगा। यहां पे $900 का ट्रेड ओपनड है, ठीक है, जिसमें से आप लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेड जो मेरा पहला ड्रैगन ट्रेड था वो मैंने जल्दबाजी में करेक्शन होने दिया नहीं, मैंने ट्रेड ओपन किया और उसके चलते मेरा रिजल्ट आप लोगों को दिखा जो भी रिजल्ट आया। लेकिन उसके बाद भी
मैं यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद मुझे करेक्शन नज़र में आया कि हाँ बहुत आगे तक करेक्शन गया है और यहाँ पे हो सकता है कि हम लोग ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और कुछ ट्रेड्स यहाँ पे ओपन किया। अभी रिजल्ट्स में देखूंगा। देखिए फ्लक्चुएशन के वजह से आपको रिफंड आता है, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन आप करेक्शन का बिना वेट किए हुए अगर ट्रेड्स ओपन करते हो और वो ट्रेड्स अगर आपको लॉस होता है जैसे कि मुझे हुआ, इसका मतलब यह है कि आपने आपका जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो सबको भुला दिया और उसका कोई आपने ध्यान नहीं दिया जब आपने ट्रेड ओपन किया। रिकवरी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग और भी बहुत कुछ तरीके से अपना जो लॉसेस है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है कि आप ऐसा ट्रेड ओपन ही ना करो। यहाँ पे $52 का मुझे सेल प्राइस दिख रहा है, $66 का मुझे यहाँ पे सेल प्राइस दिख रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, ये ड्रैगन ट्रेड है, 30 सेकेंड्स का एक ट्रेड है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके जल्दबाजी के चलते या तो आपको लॉसेस हो सकता है या तो आपको रिफंड आ सकता है। लेकिन अगर आपको लॉसेस हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चार्ट आपको करेक्शन से गुजर रहा है, ये इंडिकेशन चार्ट आपको दिया है, और आपने ट्रेड ओपन किया है, ये आपका निजी एक डिसीजन है। यहां पे मैंने ट्रेड ओपन किया है, मुझे यहां पे ट्रेड प्रॉफिट हुआ है, और मेरा ट्रेड ओपन करने का एकमात्र जो निर्णय था वो निर्णय था कि करेक्शन हुआ है, ऊपर एक लेवल है 6488.00 का लेवल है और ये लेवल को तोड़ के चार्ट अचानक ऊपर जा नहीं सकता है, तो जितना क्लोज इस लेवल से हो सके उतना क्लोज मैंने ट्रेड ओपन किया है। सिंपल मूविंग एवरेज 7 और 14 यहाँ पे हम लोगों को डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है और उसी के साथ साथ मेरा ट्रेड प्रॉफिट। आपने पैसा कमाया, आपने रिकवर किया, लेकिन आपने आपका जो दिमाग है उसको गवाया नहीं। यहाँ पे लॉसेस क्या है हम लोगों का? लॉसेस सिर्फ ये है, पहला ट्रेड हम लोगों को बेधड़क प्रॉफिट था, दूसरा ट्रेड पे लॉस, तीसरा प्रॉफिट, उसके बाद हम लोगों को रिफंड आया, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पूरा का पूरा पैसा रिफंड आया। तो ऐसे सिचुएशन पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब लॉसेस होता है, जब हम लोग ये और सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं 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 मुझे ये सेशन में मुझे इतना पैसा चाहिए, देखिए हमेशा एक ग्रे एरिया रहना चाहिए जहाँ पे आपका टारगेट है $20 लेकिन आप $18 से भी खुश रह सकते हो। ऐसा मेंटेलिटी आपको रेडी करना होगा, ऐसा मेंटेलिटी आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो रियल एसेंस है स्टॉक मार्केट का उसको आप अपना सकोगे और उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसा बड़ा इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया, दो पीरियड वैल्यूज़ यूज़ किया और मैंने सही तरीका अपनाया, उसी के लिए मुझे आज ये ट्रेड प्रॉफिट हुए। जो भी लॉसेस थे मैंने रिकवर करने, मुझे रिकवर करने में दिक्कत नहीं हुआ और ये जो लॉसेस थे ये मेरा दिमाग पे असर नहीं किया क्योंकि ये बड़े लॉसेस नहीं थे और मेरे साथ और भी कुछ ट्रेड्स थे जो कि मुझे बैकअप हेल्प दे रहा था। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको लिख के रखना है डायरी में और इसी से आपको आपका स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तोड़ना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कृपया चेक करना मत भूलिए।